The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Mere channel mein aapka swagat hai aur jaisa ki aap jante hain, main health aur healthcare ke bare mein simplified medical explanations wale videos banata hoon aur sari jankari authentic websites aur US National Medical Library se li jati hai. Aaj ki bhi jankari humne jo li hai American Academy of Dermatology se li hai. So you can actually trust this information and आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में. स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं, क्या आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हो किसी तरह से, कोई क्रीम से, कोई चीज से, क्या कोई होम रेमेडी काम करता है, रिसर्च क्या कहता है, पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग. लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है, सो होता क्या है ये स्ट्रेच मार्क? स्ट्रेच मार्क एक तरीके का स्कार है. जी हाँ, इट्स अ स्कार टिश्यू. और स्कार कब होता है? जब आपको चोट लगती है, जब इंजरी होती है तब स्कार होता है. तो स्ट्रेच मार्क्स क्यों हुए? कहीं तो चोट लगी है. कहां पर? आपके स्किन के अंदर, लेकिन स्किन के अपर लेयर में नहीं, एपिडर्मिस में नहीं, अंदर डर्मिस में. वहां पे कैसे इंजरी हुई? आपके डर्मिस में दो बड़े इंपॉर्टेंट टिश्यू है, एक तो इलास्टिन जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, दूसरा है कोलेजिन. कोलेजिन जो एक्चुअली जोड़ता है, हीलिंग में काम आता है. सो इलास्टिन और कोलेजिन ये दो बड़े टिश्यूज होते हैं. और तीसरी चीज होती है पानी, स्किन के अंदर हाइड्रेशन. ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज अ फैक्टर. सो होता क्या है, जब भी आपकी स्किन बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी स्ट्रेच होती है या श्रिंक होती है, उस समय ये ही इलास्टिन और ये कोलेजिन खींचा जाता है. और इसमें एब्रप्ट चेंज में, एकदम से बहुत जल्दी होने से, जो ये स्किन के सपोर्टिव टिश्यू इलास्टिन टिश्यू इसमें फट जाते हैं. यस, कोलेजिन एंड इलास्टिन ये दो टिश्यूज हैं जो फट जाते हैं अंदर स्किन के डर्मिस में. और वहां पर एक्चुअली होती है इंजरी. इंजरी क्यों होती है? जब भी एकदम से स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है या बहुत ज्यादा श्रिंक होती है. स्किन क्यों स्ट्रेच होगी? जब भी आपका साइज बहुत जल्दी कम होगा या बहुत जल्दी बढ़ेगा, वेरी सिंपल. या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच करेंगे स्किन को, किसी बहुत ज्यादा वजन उठाने में, बहुत ज्यादा अति स्ट्रेच करने में. So that is the basic here, कि स्किन फट रही है, एलाजिन कोलेजिन टिश्यू फट रहा है, तो वहां इंजरी हो रही है. इंजरी हो रही है तो हील होगा. और ये हीलिंग के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं. सबको नहीं बनते, सबको नहीं बनते, किसी को कम बनते, किसी को ज्यादा बनते हैं. ये डिपेंड करता है आपके अंदर उस समय हॉर्मोन्स कैसे हैं. फ्लक्चुएशन जितना होता है हॉर्मोन्स का, उतना ज्यादा होते हैं आपको. इसका प्रूफ खुद देखिए, सोचिए कब सबसे ज्यादा होते हैं आपको स्ट्रेच मार्क्स. प्रेगनेंसी के टाइम सबसे कॉमन कब है हर एक को? प्यूबर्टी के टाइम, जब आपकी ग्रोथ स्पर्ट होती है, जब आपका बॉडी ग्रो होती है सबसे ज्यादा तेजी से, उस समय सबसे जल्दी सबसे पहले आते हैं स्ट्रेच मार्क्स. जी हाँ, फिर आते हैं प्रेगनेंसी में. फिर जब भी आप रैपिडली वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तब आते हैं. जब भी आप रैपिडली वेट गेन करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वजन उठाते हैं और रैपिड मसल ग्रोथ करते हैं, रैपिड मसल ग्रोथ में आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. इवन इफ अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, कोई रैपिड वेट लॉस कर रहे हैं किसी और डाइट से, तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. यहां तक कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्रीम भी लगा रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, किसी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए या किसी और चीज के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए, एक्जिमा के लिए, अर्टिकेरिया के लिए, तो भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं लंबे समय में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्रीम लेने के लिए. और अगर आप मान लीजिए किसी और बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कुशिंग्स डिजीज लंबे समय तक स्टीरॉयड या कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से हो जाती है. कुशिंग्स डिजीज यानी आपके अंदर स्टीरॉयड कम बनना ही बंद हो गया, तो वो भी एक तरीके की उसमें के आपको होंगे स्ट्रेच मार्क्स. मार्फन सिंड्रोम जिसमें होंगे स्ट्रेच मार्क्स, है ना. तो स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं इन सब कारणों से. और अगर आपके परिवार में लोगों को स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो आपको भी रिस्क बहुत ज्यादा है. सो जेनेटिक आल्सो प्लेज अ रोल, जेनेटिक्स बिल्कुल. सो ये सारे कारण हुए स्ट्रेच मार्क्स से, इनके अलावा और कोई कारण नहीं है. तो आपको यही कुछ ना कुछ हो रहा है इन्हीं में से, या तो स्किन ग्रो हो रही है, आप ग्रो हो रहे हो, मसल ग्रो हो रही है, हॉर्मोनल ऊपर नीचे, हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं. सो दीज आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स. अब हो गए, जब होते हैं स्ट्रेच मार्क्स तो क्या होता है?
जब पहले पहले स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो फर्स्ट पहले पहले वो लाल रंग के, पर्पल रंग के, पिंक या रेडिश ब्राउन कलर के या डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन कलर कैसी है, आपकी बेसिक स्किन कलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके स्ट्रेच मार्क्स पहले पहले अर्ली स्ट्रेच मार्क्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बट याद रखिए, अर्ली स्ट्रेच मार्क्स जो भी होंगे आपके स्किन केयर कलर के हिसाब से, डार्क ब्राउन से लेके ब्राउन रेडिश हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये हील होते हैं, और ज्यादा हील मतलब ये लाइट होते हैं। अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये थोड़े से रेज्ड यानी उठे हुए फील होंगे, थोड़े से उठे हुए फील होंगे, और खुजली भी हो सकती है इनमें, इची भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये फेड होते जाते हैं, खुद ब खुद फेड होते हैं। हमें लगता है हम केयर कर रहे हैं इसलिए फेड हो रहे हैं, ये खुद ब खुद फेड होते हैं। और जो बैंड है थोड़ा नैरो होता है और अंदर सिंक होता जाता है, अंदर सिंक होता जाता है स्किन के अंदर। और फिर जब आप मेच्योर स्ट्रेच मार्क के ऊपर से अपनी फिंगर घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि वहां पर एक स्लाइट डिप्रेशन है, अंदर थोड़ा दबा हुआ है, वो मेच्योर अंदर दबा, अर्ली वाला थोड़ा उठा, अर्ली वाला लाल से पिंक से रेडिश ब्राउन हो सकता है, और मेच्योर वाला जो भी अर्ली साइन था उससे लाइट होगा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो गया स्ट्रेच मार्क्स, ऐसे हैं, अर्ली है या मेच्योर है, क्या करें, कैसे हटाएं, क्या वो हट सकते हैं? पहली बात, स्ट्रेच मार्क्स आर स्कार्स, और स्कार्स होते हैं परमानेंट, जी हाँ। सो स्ट्रेच मार्क्स भी परमानेंट, जी हाँ। लेकिन स्कार्स का भी ट्रीटमेंट होता है आजकल, तो स्ट्रेच मार्क्स का भी होता है ट्रीटमेंट, बिल्कुल होता है, पॉसिबल है। लेकिन ट्रीटमेंट से जिस तरह स्कार्स को लेस से लेस से लेस नोटिसेबल किया जा सकता है, 100% गायब नहीं किया जा सकता, 99% तक भी शायद ले आए, तो डिपेंड करेगा आपके स्कार्स, आपके स्ट्रेच मार्क्स को कितना लेस नोटिसेबल करा जा सके, नोटिसेबल बाय ट्रीटमेंट, राइट। ट्रीटमेंट इवन आपकी खुजली हो रही है तो खुजली का भी निवारण ट्रीटमेंट से होता है। मगर एक बात याद रखिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें आती है, क्रीम्स से लेके जेल्स तक और ऑपरेशन से लेके प्रोसीजर्स तक अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेच मार्क हटाने वाली क्रीम या स्ट्रेच मार्क से प्रिवेंशन वाली क्रीम लगाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। कई ऐसी क्रीमों में रेटिनॉल हो सकता है, ट्रेटिनोइन हो सकता है, जो कि आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। इसलिए खुद एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर ना करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात जरूर करें कोई भी क्रीम अपने ऊपर लगाने से पहले, पेट पे लगाने से पहले, कहीं भी लगाने से पहले, राइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब कोई भी एक ऐसी चीज, सिंगल चीज नहीं है जो सब में काम करेगी, ये बात याद रखिए। और कई ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च में काम नहीं करते हुए पाई गई है, करती ही नहीं है, राइट। तो रिसर्च में क्या पाया गया है पहले ये देखते हैं, क्योंकि क्रीम लोशन जेल्स तो बहुत सारे, इतने सारे हैं कि एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो उसमें से हर एक चीज अगर बारीक है, कहीं कहीं पे कोई काम भी करी तो हर एक पर कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो सार्वजनिक है, हर जगह काम करेगी, राइट। और कई ऐसी चीजें हैं जो काम नहीं करती, मगर अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हैं तो कुछ चीजों को ध्यान आपको रखना है। पहला, जो भी क्रीम आप लगा रहे हैं, जो भी चीज आप लगा रहे हैं, उसको आपको अर्ली स्टेज में लगाना है, अर्ली स्ट्रेच मार्क्स में, जब स्ट्रेच मार्क थोड़े उठे हुए हो, थोड़े लाल हो, पिंक हो, या फिर वायलेट जो हमने बताया, पर्पल हो या डार्क ब्राउनिश हो, फेड होने से पहले। जितने जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है उतना जल्दी इफेक्ट आता है। मेच्योर स्ट्रेच मार्क्स पे ऊपर से लगाई हुई क्रीम, बहुत ज्यादातर क्रीम्स का कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, ये बात है। मसाज करना बहुत जरूरी है उस क्रीम को अपनी स्किन के अंदर, जो क्रीम को आप धीरे धीरे जेंटली मसाज करते हैं वो और ज्यादा इफेक्टिवनेस उसका बढ़ा देती है। तो मसाजिंग इज इंपॉर्टेंट, लगाना इज इंपॉर्टेंट, और रोज लगाना, हफ्तों तक, मेनी हफ्तों, कई हफ्तों तक लगाना जरूरी है। रिजल्ट भी 2-4 दिन में नहीं मिलेंगे, 1 हफ्ते में नहीं मिलेंगे, कई हफ्तों में रिजल्ट मिलेगा, इसलिए रोजाना लगाना भी जरूरी है। तो ये 3 टिप्स याद रखिए। और होम रेमेडीज की बात करें, जितने दुनिया भर में दावे किए जाते हैं होम रेमेडीज के, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो, मैं आपको बताऊं, रिसर्च में आप खुद जाके देख सकते हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की साइट में, रिकमेंडेशन में, कि रिसर्च में ऑलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोआ बटर, वाइटामिन ई, ये सारी चीजें जितनी भी लगाई जाती हैं होम रेमेडी के नाम पे, वो काम नहीं करती, जी नहीं करती। रिसर्च में नन ऑफ देम हैज बीन फाउंड टू हैव एक्चुअली फेड एनी स्कार्स, एनी स्ट्रेच मार्क स्कार्स, तो ये काम नहीं करती। टैनिंग एक अलग चीज है,
टैनिंग से कई लोग स्ट्रेच मार्क्स को छुपा लेते हैं सेल्फ टैनिंग से, लेकिन टैनिंग से कई लोगों के स्ट्रेच मार्क्स और नोटिसेबल भी बन सकते हैं, राइट? लेकिन टैनिंग से स्ट्रेच मार्क्स कम नहीं होते, छुप सकते हैं, लेकिन आपको टैनिंग नहीं करनी क्योंकि टैनिंग से स्ट्रेच मार्क्स और नोटिसेबल भी बन सकते हैं आपके। ये स्किन कलर पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा अलग, ठीक है? फिर कुछ है ऐसा जो काम करता है? जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जो आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं। ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगी ये दवाएं। देर आर टू थिंग्स, दो इंग्रेडिएंट है, दो दवाएं हैं, एक है ट्रेटिनॉइन और एक है हयालुरोनिक एसिड। ये दो बड़ी बड़ी स्टडीज में पाया गया है कि हयालुरोनिक एसिड को जब अर्ली स्ट्रेच मार्क्स पे लगाया जाता है तो स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम नोटिसेबल हो जाते हैं। यही काम ट्रेटिनॉइन के साथ होता है। ट्रेटिनॉइन एक रेटिनॉइड है, रेटिनॉइड को जब अर्ली स्ट्रेच मार्क्स पे लगाते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स लेस नोटिसेबल हो जाते हैं। और एक स्टडी में जब हमने कई लोगों जैसे एक्चुअल डॉक्टर्स ने साइंटिस्ट ने लोगों को ये क्रीम रेटिनॉइड की क्रीम दी हर रात को लगाने के लिए 24 हफ्तों के लिए, और दूसरे ग्रुप को दिया नो कोई क्रीम नहीं दी, तो दूसरे ग्रुप के जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो बढ़ते गए और ये पहले ग्रुप के जो दवा लगा रहे हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स लेस नोटिसेबल होते गए। तो ये बहुत अच्छी स्टडी है, ऐसी कई स्टडियों में पाया गया है, आप खुद जाके रिसर्च कर सकते हैं। रेटिनॉल एक और इंग्रेडिएंट है जो कि भी एक रेटिनॉइड है, जैसे ट्रेटिनॉइन है रेटिनॉल है, रेटिनॉल भी आपके स्ट्रेच मार्क्स में काम करेगा, लेकिन सिर्फ अर्ली स्टेज में। जो आपके स्ट्रेच मार्क्स डिप हो गए, थोड़े अंदर दब गए हैं, फेड हो गए, उन पे ये क्रीम्स काम नहीं करेंगे। मगर फिर बात आती है कि क्या काम करेगा, फिर बचते हैं प्रोसीजर्स। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप प्रोसीजर्स करा सकते हैं, कुछ सर्जरीज भी अवेलेबल है, लेकिन प्रोसीजर्स पहले, मतलब जो ऑप्शंस अवेलेबल है सारे बता रहा हूँ। तो डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन, आपके स्ट्रेच मार्क्स, आपकी इंटेंसिटी, आपके स्किन टाइप के ऊपर, आपके एज के ऊपर, राइट, आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कौन सा प्रोसीजर बेटर रहेगा। प्रोसीजर के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। केमिकल पील्स होती हैं, लेजर थेरेपी होती है, पल्स डाई लेजर जैसे, और माइक्रोडर्म एब्रेशंस होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होती है, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट होती है, राइट? कई बार मल्टीपल चीजें यूज करनी पड़ती है कि ये भी ये भी ये भी, ताकि स्ट्रेच मार्क कम से कम से लाइट हो जाए। लेकिन इनमें से कोई भी प्रोसीजर भी 100% नहीं निकालता है स्ट्रेच मार्क्स एक बार मैच्योर हो गए तो, ये रिमेंबर करिए। इसलिए अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, राइट? और इन सारे ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट पॉसिबल है, और इसके साथ सर्जिकल ऑप्शन भी है। स्ट्रेच मार्क्स को एक्चुअली सर्जरी करके, एक्साइज करके भी निकाला जा सकता है, अगर पेट की स्किन बहुत लटक रही है, टमिक टक सर्जरी, और भी सर्जरी आती हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। सर्जिकल करेक्शन के लिए हमारा स्कार वाला वीडियो आप देख सकते हैं, राइट? एक्नी स्कार वाला वीडियो, उसमें बताया गया है काफी सारे प्रोसीजर्स। सो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपके केस में कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और हर प्रोसीजर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। हर एक प्रोसीजर के बाद आपको थोड़ी स्किन में रेडनेस स्वेलिंग होगी जो 2-4 दिन में चली जाएगी या कुछ घंटों में चली जाएगी, माइनर से साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा है, स्किल्ड है, राइट? ये डिपेंड करेगा डॉक्टर पे, ठीक है? सो ये डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके ऊपर कौन सा यूज होगा, आपके एज, आपकी स्किन, आपके स्ट्रेच मार्क कितने सालों से है, उसके बेसिस पे क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट होंगे। जी हाँ, मे बी क्या कर सकते हैं, रिसर्च में डिस्कवर हुआ है कि एक्चुअली में जितने भी ये सारे होम रेमेडीज हैं, वाइटामिन ई, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, कोकोआ बटर, ये एक्चुअली काम नहीं करते, एक्चुअली डोंट वर्क इन प्रिवेंटिंग स्ट्रेच मार्क्स। क्या प्रिवेंट करेगा, सिर्फ दो चीजें प्रिवेंट करती है। नंबर वन हयालुरोनिक एसिड, और दूसरा एक हर्ब है जिसका नाम है सेंटेला। सेंटेला, ये सेंटेला और हयालुरोनिक एसिड, हयालुरोनिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी स्किन के अंदर। और तीसरी चीज है जो प्रिवेंट करती है, स्किन केयर रूटीन, स्किन हाइड्रेशन, राइट? स्किन अच्छी है, हाइड्रेटेड है, इलास्टिसिटी है स्किन में, तो वो हेल्प करेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो जल्दी फटेगी। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, इसलिए पानी ज्यादा पीजिए, स्किन का ख्याल रखिए, स्किन केयर रूटीन वाले वीडियो देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। क्योंकि अगर आप एक्चुअली स्टोर से या ऑनलाइन स्ट्रेच मार्क ट्रीटमेंट वाली क्रीम बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा।
इससे काफी अच्छा है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह ले लें। ये देखेंगे कि इन हाउस जो प्रोसीजर है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोसीजर छोटे मोटे करा लेने बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू क्रीम, लोशन या जेल्स, ये रिसर्च में पाया गया है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको बताएंगे अगर आपके केस में क्या प्रोसीजर या कौन सा प्रोडक्ट इफेक्टिव है आपके पर्टिकुलर केस में। सो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन से हेल्प मिली होगी। मिली है तो पहला काम करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं आपको ऐसी जानकारी देते रहता हूं। तो इस चैनल को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, जितना आप प्रमोट करेंगे उतना हमारा प्रोत्साहन होता है कि हम और वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हमारे लाइव वीडियो में आइए, हमसे सवाल पूछिए, हम रोज लाइव आते हैं यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब FAQ चैनल है हमारा, वहां पर भी हम रोज लाइव आते हैं, और पहले 10 लोग जो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, पहले 10 लोग जो हमारे साथ लाइव में पहले 10 सवाल पूछते हैं उनके जवाब हम देते हैं, और रैंडम सवालों के भी जवाब देते हैं। सो जरूर ज्वाइन करिएगा, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। All you need to do to stay healthy is stay connected.